हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट पूर्वा और एक और बार आप सबका स्वागत है इस धमाकेदार गेम में जिसका नाम है लूडो किंग। ऑफ कोर्स यार, वेलकम टू लूडो किंग शो एक और बार। सो चलिए देखते हैं कि आज हमारे साथ ये धमाकेदार गेम खेलने के लिए कौन कौन आया है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। हाय, आई एम फाइन, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। मैं अच्छा हूं। जी, आप आज के गेम के लिए एक्साइटेड हैं ना? बिल्कुल एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज का गेम आपके साथ खेलने के लिए। एंड हम आपसे और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन फटाफट ना थोड़ा सा अपने बारे में हमें पहले कुछ बोल दीजिए, जैसे कि आप रहते कहाँ पे हैं, आप क्या करते हैं, और आप जो भी काम करते हैं वो होने के बाद आपको जो स्पेयर टाइम मिलता है उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरा नाम अर्पित गाबा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं एक जापानीज कंपनी में काम करता हूँ। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध अग्रवाल है, मैं कलकत्ता से हूँ, सिटी ऑफ जॉय, और मैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल हूँ, आई एम इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। माय नेम इज प्रियंका, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम एचआर एग्जीक्यूटिव इन एन आईटी कंपनी। मेरा नाम डॉक्टर रम्या गर्ग है, मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ, मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। एंड माई हॉबीज इज टू डांस, ट्रैवल, आई लव माउंटेन्स एक्चुअली, सो मुझे पहाड़ और ठंडी जगह में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया है अक्रॉस इंडिया, मैंने काफ़ी वर्ल्ड में भी काफ़ी सिटीज को एक्सप्लोर किया है, तो मेरे हॉबीज में मतलब ट्रैवलिंग इज वन ऑफ माई बेस्ट हॉबीज आई वुड से। और मेरी जो जॉब है वो ट्रैवलिंग जॉब है एक तरीके से, और मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं बहुत बड़ा फूड लवर हूँ, तो मैंने मोस्टली हर तरीके का, मोस्टली कंट्री का फूड खाया हुआ है। मैं जापान में भी रह के आया हूँ 2-3 महीने, तो वहाँ पे मैंने हर तरीके का फूड खाया हुआ है। मेरी हॉबीज है कुकिंग करना, सिंगिंग करना, लूडो किंग खेलना और सोशल मीडिया। उसके अलावा मेरी एक 3 साल की बेटी है जिसके साथ मुझे खेलना बहुत पसंद है, वो मेरी बेस्ट हॉबी है अभी तक की। और आपको बहुत अच्छा सुन के लगेगा मैम कि मैं उसके साथ आजकल लूडो भी खेल रहा हूँ। अदर देन दिस, सो ऑब्वियस स्ट्रेस रिलीज करने के लिए लूडो खेलना भी बहुत बहुत, मतलब लूडो भी मेरी हॉबी में ही आता है। क्या बात है, क्या बात है। सो ये सारे गेम्स में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कि आप लूडो किंग खेलते हैं, और ऑफकोर्स उसी लिए आप आज हमारे साथ यहाँ ये गेम खेलने के लिए आए हैं। सो आप ये लूडो किंग खेलते किसके साथ हैं? अपने फैमिली के साथ खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ खेलते हैं? जब अपनी वाइफ के साथ और अपनी मदर के साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करती हूँ। मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करती हूँ, मतलब ज्यादातर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ वी हैव ग्रुप आल्सो। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है अपनी फैमिली के साथ खेलना, इंक्लूडिंग माय सन। अच्छा, तो बचपन में वो जो एक बोर्ड गेम आता था लूडो का, वो खेलते थे बचपन में? खेला है वो? ये बोर्ड गेम तो मेरे को लगता है सालों से है, तो मेरे को 3-4 साल से मुझे लगता है मैं लूडो किंग बोर्ड पे खेलता था। हाँ, बहुत खेला है। यस, मैंने बचपन में बोर्ड गेम खेला है, इनफैक्ट मैं बोर्ड गेम आज भी खेलती हूँ। तो मतलब उससे जुड़ी अगर कुछ यादें होंगी, यू नो, झगड़े होते थे, चीटिंग होती थी, मार छाड़ सब कुछ होता था यार जब हम कजिन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ खेलते हैं, तो ऐसे अगर कुछ चटपटी सी यादें होंगी प्लीज हमारे साथ शेयर करें। बचपन में मैं अपने कजिन्स के साथ ही खेलती थी, और तब तो बड़े शरीफ से थे, आराम से हम टोकन चल लेते थे। मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत खेलती थी, डेली का हमारा रूटीन था, तो पहले बोर्ड पे खेलते थे, अब जब से लूडो किंग फोन में आया तो फोन पे खेलते हैं। जिसमें अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो फिर वो थोड़ी ट्रिक, चालाकी, टोकन ऐसे गायब कर लेना, तो बोर्ड गेम में वो वाला भी फन है, तो वो मैं आज तक भी मतलब मैं खेलती हूँ लूडो। ओके, सो आप को मिलने वाले हैं 10,000 रुपए के गिफ्ट कूपन्स अगर आप आज ये गेम जीत जाते हैं, है ना? आपको ये तो पता ही होगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप सच में आज ये गेम जीत जाते हैं तो आप क्या करने वाले हैं इस गिफ्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गेम खेल करके एक अमाउंट जीतना इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, अ वेरी गुड फीलिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि बहुत अच्छा फील होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होगी। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मैं एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं जिसमें मुझे जीतने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो बहुत लगेगा, और मैंने सोचा है अगर मैं 10,000 रुपीज जीतती हूँ तो जैसे ही पैंडेमिक थोड़ा सबसाइड होगा और कोरोना वाली सिचुएशन थोड़ी मतलब कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो मैं कहीं घूमने जाऊंगी। एंड मैं उससे अपनी दादी और अपनी मम्मी के लिए कुछ लेना चाहूंगी,
एक्चुअली दादी नानी और मम्मी के लिए तो कुछ भी जीतूं, अगर काफी अगर 10,000 जीत गया तो मैं 30% उसको फाउंडेशन या किसी भी ऐसी जरूरतमंद को देना चाहूंगा। मेरी नीस है एक और मेरा बेटा है, सो इन दोनों के लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे, और हम मतलब फैमिली में तो सेलिब्रेशन होगा ही। और 20% मैं अपने घर के पास एक वाटर कैंप लगाना चाहता हूँ, तो एक दिन के लिए ही सही, तो मैं उस पैसों को वहाँ पे यूटिलाइज करूँगा, बाकी मैं खुद कोशिश करूँगा अपने पे स्पेंड या मस्को सेव कर। ओह अच्छा, सो जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब लूडो में लक भी बहुत ज़्यादा काम करता है, आपने सब कुछ सही कर लिया, एकदम आपकी स्ट्रेटजी है, सब कुछ है सब कुछ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गया और हार गए, ऐसे हो सकता है, एक आध दिन ऐसे निकल जाता है ना। अगर गलती से आज का ही दिन वैसा निकला आपके लिए और अगर आप आज का गेम हार गए तो फिर कैसे लगेगा आपको? That's absolutely okay. Fourth आने में भी खेलना बड़ी बात है, खेलना स्पिरिट से चाहिए। So it's okay, I have to accept it. I will enjoy that whatever, you know, that वो जो process था, वो जो game था, वो enjoy करना है। दुख हो रहा बट इतना नहीं, because Ludo खेलना ही अपने आप में बहुत fun है। कुछ सीखने को ही मिलेगा तो और नए फ्रेंड्स भी बनेंगे, तो उसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। हाँ एक रिग्रेट जरूर होगा कि शायद जीत जाता तो अच्छा लगता, अगर नहीं जीता इट्स ओके, तो वो बहुत ही खुशी होगी मुझे, बट अगर मैं फोर्थ भी आती हूँ तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ और फोर्थ को भी प्राइज तो मिलना ही है, तो उसके उसमें से अपने लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लूंगी। ओके सो ऑल द बेस्ट आपको आज के गेम के लिए, जल्द ही मिलेंगे हम आपसे, एंड तब तक आप एकदम पूरी तैयारी वैयारी करके रखिए, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबको बता के रखिए, है ना? ओके डन, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू अपूर्वा मैम, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।